गुड मॉर्निंग गाइज, आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 6 बजे से। आप सब लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक है। मम्मी की बन गई है सब्जी और पराठे बन रहे हैं आज तो मस्त मस्त वाले। बच्चों के लिए बन रहे हैं, मेरे लिए भी बन रहे हैं भाई पराठे और सब्जी भी। देखो गाइज, आलू की है, आलू फ्राई और पराठे, और अपने नाती नातनी के लिए बना रहे हो पराठे, मेरे लिए भी बना रहे हो भाई। सबके लिए बना दोगे? तब तो बढ़िया है, फिर हम भी खा लेंगे। तो उठ के चले गए हैं और मैंने भी ना लिया सुबह सुबह। और आप सब लोगों का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है और अब मैं जल्दी से अपने पुत्र को उठाने जाती हूँ। गाइज, ये रहा मेरा पुत्र। ए पुत्र, अब तो मैं डंडा मारूंगी, चट्टे चट्टे भी मार सकती हूँ आज तो मैं। जल्दी उठ जा बदू। ए बदुआ, मैं चुन का पेट तो देखो। जल्दी उठो, 6 बज गया आज, जल्दी उठ। दीदी तो ब्रश रश करके चली भी गई है, राटी उन्हें जल्दी उठ बाबा, उठ मेरा बच्चा, चल जल्दी उठ। इस दौरान अभी मुंह अब ब्रश हो गया, साफ करके धोना है बच्चा। आजा मेरे पुत्र, असल में तो किसी का लूंगा आज। ऐ पूरा गिला गिला हुआ गाइस, इसको तैयार करने जाना पड़ता है, लेकिन मंतू को तैयार करने नहीं जाना पड़ता। मंतू होने लग गई है यार। आए कबूतर ने करी, किसने करी पॉटी? चुभे चुभे यहाँ पे पॉटी कर देना आयुष। दीदी के चप्पल बज गए। आयुष ला गया अपना नाश्ता खुद, पराठे और आलू का गुटका नहीं है, फ्राई आलू फ्राई। दोड़ी नाश्ता कर ले जाओ जल्दी। हाँ दो पौधे उखाड़ दो। क्यों? स्कूल ले जाना। आयुष अभी तुझे भी सब बच्चों को लाने हैं। हाँ। मैम ने बुलाया, गमले के साथ लाओगे तो छोटा पौधा लाना और गमला नहीं लाओगे तो बड़ा। तो अब मुझे दो पौधे उखाड़ने पड़ेंगे के लिए। तो मैंने ये उखाड़ दिया स्कूल में आज, पता नहीं क्यों मंगा रखा है। अरे लेके अवसरों में मंगाया है ना ये जड़। नहीं तो या तो लग जाएगा गमले में, लग सकता नीचे में, इतना बड़ा होता ना जैसे ये गमले में उगा देगी। अब इससे बड़ा क्या उखाड़ेगी रे तू, बोएंगे कैसे? ये देख इतना बड़ा होगा, देख उस वाले के बराबर होगा, देख इसके बराबर होगा ये बड़ा। तू ले जाना फिर आई वाला। हाँ ये स्टेले हो गया है ये। अब इसके लिए भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं क्या या लगा लू। तो के लिए मैंने ये उखाड़ दिया, अब जौन सा जो ले जाओ भाई। दो उखाड़ दिए मैंने। हाँ दो उखाड़ दिए मैंने। मम्मी का भी होने लग गया है नाश्ता। कैसी हुई सब्जी खा के बताओ? मस्त है, दो पराठे लाई हूँ और आलू की सब्जी मस्त है। मैं सोच पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से पहले पेट पूजा फिर काम। हाँ बारिश का मौसम है ना, आज भी बताई है, मतलब 12 बजे से मान लो कि सुबह हो गई ना, बताई थी बहुत तगड़ी बारिश। जैसे कल तो लाइट रेन बताई थी, मतलब हल्की हल्की बारिश, और परसों तो कल बताई, आज बताई थी थंडरस, आज तूफान वाली। चपाटी भी मेरे चले गए हैं और बस पहुंच गया है यहाँ पे। मम्मी दे रहे हैं मुर्गियों को दाना। आजकल बारिश से देखो गाइस गमलों में कितने हरे भरे लग हो गए हैं पेड़, और अभी करके धूप थी तो उतने अच्छे नहीं हुए थे, अब हरे हरे हो गए हैं। और गाइस ये करेले का पौधा हमारा खुद लगा था, और देखो 3 करेले भी लग गए हैं। पहली बार ना मम्मी, पहली बार हमारे घर में करेले का पेड़ पौधा खुद जमा, वो हमने जमाया भी नहीं ना, खुद जमा। फिर इसमें हमने खाली ये टहनी लगाई है कि बेल ऊपर चढ़े, और 3 करेले लग भी गए हैं गाइस। और नींबू भी लगे हैं, पुटगू पुटगू से हमारे नींबू भी बहुत सारे लग रहे हैं, ये पुटगू पुटगू से नींबू।
ये बहुत सारे नींबू लग रहे, बहुत सारे हैं। और मम्मी एक बार हिट पूछ आई ना अंगूर का पेड़, गाइस हमने अंगूर का पेड़ भी बोया था, मम्मी और मैं देखने जा रहे हैं हुए नहीं हुए। ओ मम्मी नींबू को तो लग मना यार, अच्छा बिकट नींबू लग रहे हैं गाइस। जी जिसको नींबू चाहिए आ जाना हमारे घर में लेने। और अमरूद भी लग रहे हैं हमारे पुटकू पुटकू से अमरूद, देखो अमरूद एक तो पका भी है ये। ओ मम्मी हरियत लग, हरियत हो रही ला मम्मी, हरिया हो रही। चा अंशु लोग अलग हैं, अंशु वो आ गए गाइस। यहाँ पे लगाए हैं हमने, यहाँ पे कटहल का पेड़ लगाया ये हमने, यहाँ पे टाया एक तो हरी हो रही ना, अब हो जाए क्या पता, अपने घर का अपने घर का ही होता है गाइस, सब चीज़ बोना चाहिए। जब अपने घर में हो ना इंसान छक्के खाता है, दूसरे का घर का नहीं खा सकता, तो इसलिए हमने इस बार खुद बोए हैं अंगूर का पेड़। बस हो जाए मम्मी उसे ना होना था आलू नाला एक टाइम हो जा लो। और ये बोया हमने लीची का पेड़, जाकर ले लो यहाँ पे भी लगा दे, चार कलर लगे हैं चार। दीदी अपने निकाल ली है, निकाल ले हैं गाड़ी, और पति देव और मम्मी जा रहे हैं आज हॉस्पिटल। मम्मी की थोड़ी कल से तबीयत खराब है, तो मैंने बोला एक बार होके आ जाओ डॉक्टर के यहाँ। मम्मी भी हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं खटीमा। और बढ़िया का बताया डॉक्टर की क्यों उम्री की फिर उम्र, ठीक है और हमने सुबह पर्ची कटवा दी थी, अगले बार बढ़ जा, सुबह पर्ची कटवा दी थी हमने, तो नंबर है 2 बजे का नंबर है, अभी बज रहा है 12:30। डाले हैं बरांडे में, तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे डाल रखे, तो मैं इनको जल्दी से उठा देती हूँ, क्योंकि कल मौसम दिन में ऐसे हम सो गए थे तो मौसम हो गया था ख़राब, तो इतनी तेज़ बारिश आ गई, वो तो मंतु लोगों के स्कूल से आने का टाइम हुआ था, तो वो जैसे स्कूल से आए वैसे ही मौसम ख़राब हुआ, तो मंतु ने सारे कपड़े उठा दिए थे, आज मैं उससे पहले उठा देती हूँ। मंतु को उठाना पड़ेगा इससे अच्छा पहले मैं ही उठा लेती हूँ, हो रहा है मौसम खराब, कपड़े भी उठा के आ गई हूँ मैं, और खिड़की करती हूँ बंद, आज के मैं रोज खिड़की खोल देती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि कमरे में थोड़ा बाप बाप ना बने करके, खिड़की में बाप बाप ना बने करके मैं रोज सुबह आते सारे रूमों की खिड़कियां खोल लेती हूँ। और अभी हो रहा है सोने का टाइम, तो मैं सोच रही हूँ खिड़की के बंद करके अच्छा लगता है, उजाले में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सोने में, तो अब मम्मी और पति देव तो चले गए खटीमा, और लगभग सारा काम हो गया है दिन का, बर्तन वर्तन खाना वाना और कपड़े वपड़े भी उठा दिए, बस अब सोते हैं। मम्मी तो चले गए बना, मम्मी और मैं सोते थे, आज आप अकेले सोना पड़ेगा, आज सोऊंगी मैं इस वाले चाय पर, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, यहाँ सोऊंगी। अम्मा भी सो गई है, अम्मा भी सो रही है, मैं भी जल्दी से सो जाती हूँ, बच्चे आएंगे तो फिर उठना होगा। और आज भी सुबह फ़ोन लगा के गया था, इससे मेरे से 4 दिन से हटाया है मैंने। चलो गाइस अब मैं आपको उठने के बाद मिलूँगी।
हमारा हो रहा है चाय टाइम गाइस। सारा काम करके दूध दूध निकाल के सारा काम करके अभी बज रहे हैं 4। अभी हम पी रहे हैं चाय। और मंत्र क्या कर रही है? स्कूल का काम। हाँ। और आयुष भी पी रहा है चाय। आयुष की गिलास कहाँ है? फिर ये रही आयुष की गिलास। आज आयुष भी पी रहा है। अमन नहीं आई है अभी तक आयुष की। अभी हमने कॉल करी थी आयुष के पापा को, वो बोले अभी आया है हमारा नंबर। और हमारा धोलू कितना मस्त कलंदे करके सोया है। देखो गाइस क्या हुआ। मम्मी लोग भी आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 5:20, 12 बजे के गए हुए अभी आ रहे हैं। लेट आया बोले नंबर 4 बजे के टाइम में लेट आ रहा नंबर। तुम लोग तो तुम 2 बजे तक आ लो। 4 ना तो बाबा कभी माना दे रहा बताओ की करी क्यों निकले भाई खून जांच में। हाँ क्यों निकलो मैं सब ठीक छू। हाँ मतलब क्या उम्र है बलवा सीधा मतलब। हाँ धूप और वजन ने उठून छू और धूप मैंने जान छू भाई भले बड़े छाया में बैठ जाए बच्चे भले बड़े छाया में बैठ जाए उल्ले रख दे आदमा कपड़ा खन मेरा। अरे डॉक्टर कुमरे और धूप और वजन मत उठाना और धूप में मत जाना। चल धूप में जाए बैठते भी बतावन बिल्ला फोड़ देना धूप में जाए बैठना उस दिन कदू। और की कुमरे बैठ को कौ देना तेरी दवा 15 दिन की है 10 दिन की आया कुमरे पर फर्क पड़ लो तो आया कुमरे हो ना। हाँ आ जाए घूम रहे हो आया घूम रहे हो आ जाया घूम रहे हो। हाँ दवा खत्म चल रहा था। हाँ और ठीक हो जाओ मतलब फर्क हो लो तो ये दवा चल रही। अब जब कहा भाई वजन वाले तो क्या कर चला थे मुझे काम गट्ठा अट्ठा तो मैं ही लूँ छो खाली काम में जाए पे हो। अब चल तो सर साल हम ही खिलो पे गाह में ही लूँ काटने लगे तो वही तो अब उसे घूम रहे हो वजन वाला मत करना। आओ चाब बर्फ उंजर मौसम हो गया। मौसम बिल्कुल हो रहा है गाइस खराब। तो वाह हो रहा है क्या क्यों गई है माँ डॉक्टर के पास स्कूल लग गया। धीरू मम्मी मिल जाए धीरू मम्मी दे बेले भी डाल दो गाइस। मन तो कहा खाली है मोमो गिराना मत यार। इन लोगों ने कटोरी में दिया थोड़ा चिकन राइस और मोमो। आयुष लाख पीस मैंने ले लिया। क्या करता है ये बहुत गंदा है लाख पीस नहीं देता है मुझे खुद ही खाता है हमेशा। लाख पीस मैंने ले लिया झूठ बोल रही हूँ देखो क्या कर रहा है। गिराना मत बाबू। ये क्यों बन रहा है भाई किस चीज की। अच्छा दिखा आयुष अपना दिखा। ये आयुष ने खुद कराया गाइस। आयुष की भी ड्राइंग अच्छी होती जा रही है दिन पे दिन। और मंतु का भी है कल हरेला। ये देखो गाइस मंतु का वाह वंडरफुल मंतु बहुत प्यारा लग रहा है वाह पहाड़ी कितना। तो आ रोटी पका रही है और सब्जी भी पक रही है साथ में। आटा तो अमाने को था ना। हाँ क्यों आ मन तो इसलिए पकाई रोटी
वह तो रोज़ अम्मा के साथ थोड़ी मदद करती थी, लेकिन आज मम्मी की थोड़ी हुई अभी तबीयत खराब, सिर दर्द हो रहा है। पैदल जा रहा है। देखती हूँ कैसे हो रहे। क्यों मुरी भाई सिर दर्द? आयुष के सारी दुकान, आयुष तो दुकान लगी, आयुष तो कमर वाल बदल जा रहा है। मैं अम्मा की मालिश करता हूँ कमर सर की। और गाइस मम्मी का व्रत होता है उस दिन, ज़्यादातर मम्मी की हो ही जाती है, शाम के टाइम में मम्मी की हो ही जाती है। आज है व्रत तो दिन भर वैसे ही भूखा रहना पड़ता है, तो इस वजह से फिर शाम को थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो आयुष गया अभी अम्मा के लिए लेने, पता नहीं क्या लेने गया है। मम्मी ने मंगाया जीरा की कुमचा, हाँ जीरा का कुछ ठंडा होता है, तो वो लेने गए। कभी हो गया टीवी देखने का टाइम, और हमें अंदर जाने लग गए। पापा चला रहे हैं अम्मा के लिए टीवी, और मैंने भी बाहर की सारी लाइट जला दी हैं। और रोज़ हमारे पेड़ में, एक पेड़ में बचे हैं आम, रोज़ हमारे पेड़ से एक कितने आम गिरते रहते हैं, खाने के लिए हो जाता है हमारा। जो मंगाया था आयुष लेके आ गया है, अब होती है धन मम्मी थोड़ा ठीक। अब अगर आपने बर्त जी रखा चुप, मैं हमेशा कर रहा था मैं बर्त रखी मर दी, मतलब उसे ना कुमरू में दिन भर ना ना हूँ तुम्हारा थोड़ा तुम्हारा फिर बीपी इसे लो वाल छो ना, तो तुम्हारा बेला थोड़ा बढ़ता बोल रहा है हो जा। हम अकेले लाया तो सामान अपने लिए भी लाया, बता अकेले गया किरण भी गई। आयुष कर रहा है अपनी अम्मा की सर की मालिश, क्योंकि मम्मी का हो रहा है सर दर्द। आयुष बहुत अच्छी मालिश करता है, जब मेरी सर दर्द भी होती है आयुष करता है ना। आयुष जी जिसको मालिश करानी होगी सर की, आयुष से कांटेक्ट कर रहे हैं। आयुष बहुत अच्छी मालिश करता है, और बड़ी अम्मा की भी करी ना एक बार, और नानी की भी, सब कहते रहते आयुष कितनी अच्छी मालिश करता है। आयुष को ना ही बना, आयुष आयुष को ना ही बना दे, ना ही भी तो अच्छी मालिश करता है। क्या करो रे, मेरा बच्चा बहुत अच्छी मालिश करता है, मेरी भी होती है थोड़ा, कभी आयुष से हम करवाते हैं तो आयुष जैसे मालिश करता है ना वैसे सर दर्द ठीक हो जाता है। कौन सा किस कौन सा देश का नाम रहता ना? रोटी आज है अंडे की सब्जी, और शिमला मिर्ची की बनी है, अंडे की बनी है, सब्जी बनी है। आयुष के लिए भी आ गया है, बुड्ढा माँ के लिए भी आ गया है, और ला रही है मेरी चेली। आयुष खा लो अब चुपचाप, और उसकी सब्जी भी है ना शिमला मिर्ची की भी है ना मनु, आलू शिमला मिर्ची की। तभी अंडा कड़ी बनाया और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।